नमस्कार बच्चों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो हम करवाएंगे भारतीय लोक कला शैली एवं लोक नृत्य से जुड़े कुछ प्रश्न। तो 20 प्रश्न हम पहले करवा चुके हैं, अगले हम शुरू करते हैं 21 से। प्रश्न नंबर 21 कहता है, बताइए कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से संबंधित नहीं है। कजरी वाराणसी, बिरहा कानपुर, होली ब्रिज या नौटंकी हाथरस। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिरहा कानपुर ये संबंधित नहीं है, बाकी ठीक है। प्रश्न नंबर 22 कहता है, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि मेल नहीं खाता है। ऑप्शन ए मेल नहीं खाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कहता है, करागम धार्मिक लोक नृत्य किससे संबंधित है, कौन से राज्य से। तो समय नहीं गवाएंगे, सही उत्तर है ऑप्शन बी, करागम धार्मिक नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र से है। चार ऑप्शन है, सही उत्तर बताता हूँ ऑप्शन डी, बुलेंदकंड क्षेत्र से है राहुला। अगला प्रश्न देखिए, गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्य में से कौन सा उस समय किया जाता है जब हाल ही में विवाहिता लड़की प्रथम बार अपने मायके आती है। तो चार ऑप्शन में से आपको सही उत्तर चुनना है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, झुमेला। क्या उत्तर है? झुमेला। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पेपरों में आते हैं बार बार। गिद्धा नृत्य एक किस्म का गिद्धा जो कि एक नृत्य का रूप है, किस राज्य से संबंधित है। तो इसका उत्तर होना चाहिए पंजाब, क्योंकि भंगड़ा तो पुरुषों का है और गिद्धा महिलाओं का डांस है। यस, सही उत्तर है ऑप्शन ए, गिद्धा नृत्य महिलाओं का है, पंजाब का। डांडिया का प्रसिद्ध नृत्य सभी को मालूम होना चाहिए, गुजरात का है। यस, ऑप्शन ए गुजरात। अगला प्रश्न है, बस्तर में ढंडारी नृत्य किस त्यौहार पर आयोजित होता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, होली पर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कहता है, देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े हैं। तो देवदास बंजारे जुड़े हैं ऑप्शन बी, पंथी नृत्य से। कौन से नृत्य से? पंथी नृत्य। अगला देखेंगे, शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम क्या है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, गिद्धड़। शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम गिद्धड़ है। पेपर पर आते हैं बच्चों ऐसे ही सवाल। अगला है, नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं। तो चार ऑप्शन में सही उत्तर तलाश करना है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, भगाई। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य है, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, गरबा या कथकली। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, गरबा, जो गुजरात का है, जिसे डांडिया भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है, युद्ध संबंधी नृत्य। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेघालय का बंबू नृत्य। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित है, यानी कि ठीक है बाकी गलत है। तो ऑप्शन सी, अंकियानाट असम से है, अंकियानाट।
असम से है। अगला प्रश्न देखते हैं, भंगड़ा सभी को पता है, भंगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा, यस। बिहू नृत्य असम का होना चाहिए, यस। ऑप्शन ए असम। अगला है, चकार कुत्थू नृत्य के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके अंदर कथन है चार, यह चकार जाति द्वारा किया जाता है। परंपरागत रूप से यह हिंदुओं की उच्च जातियों में नहीं देखा जाता है। ऑप्शन तीन है, मिया संगीत वाद्य है। ऑप्शन चार है, इसका नाट्य रूप कथामलम है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं इसका उत्तर। उत्तर कहता है ऑप्शन ए, यानी कि एक तीन और चार सही हैं, एक तीन और चार यानी कि दो गलत है। परंपरागत रूप से यह हिंदुओं की उच्च जातियों में नहीं देखा जाता, ये कथन गलत है। बाकी एक तीन और चार कथन सही हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 38 कहता है, सूची एक और सूची दो में समेकित कीजिए, यानी कि इस साइड में कुछ वो लिखे हैं और सूची दो में क्षेत्र लिखे हैं, इनको मिलान करना है। तो इस तरह के प्रश्न का प्रारूप भी कई बार पेपर में देखा गया है। ए बी सी डी ऊपर लिखा है, चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको मिलान करना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तीन एक दो चार। तीन एक दो चार का मतलब ये हुआ, तीन का संबंध ए से है, तीन का संबंध ऐसे है, ऐसे तीन का संबंध ऐसे ऐसे है। तो इसका सही उत्तर है तीन एक दो चार, तीन एक दो चार। बताना चाहूंगा कैसे करना है। तीन का संबंध, ये देखो ए बी सी डी लिखे ना, तीन का संबंध ऐसे है और एक का संबंध बी से है, ब्रजभूमि रसिया का है, और दो का संबंध सी से है, बुंदेलखंड अलाहा, और चार का संबंध अवध का संबंध डी से है, अवध कजरी से। ऐसे इसका उत्तर देना है। तो अगला प्रश्न शुरू करते हैं, दो प्रश्न और बचे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक या जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो सही उत्तर बताता हूँ आपको, ऑप्शन बी झोरा। झोरा उत्तर प्रदेश से है जनजाति का। 40वां, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। और गरबा गुजरात से, मोहिनीअट्टम उड़ीसा से, यश गान कर्नाटक से लिखा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा समेकित है? तो इसमें उत्तर देखते हैं, यश गान कर्नाटक से ये भी सही है। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, एक और तीन। एक और तीन सही हैं। एक और तीन के अंदर हमने आपको बताया गरबा गुजरात से है और यश गान कर्नाटक से है, मोहिनीअट्टम उड़ीसा का नहीं है। तो बच्चों, ये हमने 40 प्रश्न करवा दिए। आपने यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद, जय भारत, गुड लक।